लिखी थी वो स्टेमन और कार्पल में होती है, और स्टेमन और कार्पल फूल में होते हैं, समझ रहे हो। तो फ्लावर में प्लांट अपने सेक्स ऑर्गन बनाता है, और वो सारी इवेंट्स जो कल हमने सीखी थी वो उन सेक्स ऑर्गन्स में होती हैं। इवेंट का नाम याद है ना आपको, स्पोर बनना, गमीट बनना, पॉलिनेशन करना, फर्टिलाइज करना और एम्ब्रियो बनना। पर बेटे बिफोर हम उन इवेंट्स को लेना शुरू करें, एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम में सेक्सुअल मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी से पता चलता है, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। क्या पौधे में भी पता चलता है? बिल्कुल, पौधे में भी हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। छोटी छोटी अर्लीस्ट रेकग्नाइजेबल स्टेजेस बनती हैं, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर जिनको आप देख सकते हो, नोन एज फ्लोरल प्राइमोडिया। फिर वो बड़ी होके बड बन जाती हैं, और बड़ी होके खिल के फूल बन जाती हैं, और फूल अक्सर गुच्छे में बनते हैं। फूल का बनना इंडिकेशन है कि प्लांट सेक्सुअली मेच्योर हो गया। तो जैसे हम लोगों में धीरे धीरे सेक्सुअल मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाते हैं और सेक्सुअल मेच्योरिटी अचीव होने लगती है, ऐसे ही प्लांट में भी इंडिकेशन है सेक्सुअल मेच्योरिटी अचीव होती है जब उसमें फूल बनता है। फूल के बनने की स्टेजेस देख ली आपने, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, फ्लोरल प्राइमोडिया बनेगा, बड़ा होके बड बनेगा और बड़ा होके खिल के फूल बनेगा। एंड फ्लावर्स आर जनरली फॉर्मड इन बंचेस, एवरी बंच इज कॉल्ड इनफ्लोरिसेंस। फूल में सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन में ये इवेंट्स होती हैं। सबसे क्रूशियल इवेंट फर्टिलाइजेशन है, अगर ये सबसे क्रूशियल इवेंट है तो इसको स्टैंडर्ड रखते हैं। जो कुछ भी इससे पहले हुआ वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और जो कुछ भी इसके बाद में होगा दोज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यूजली आप इन तीनों को नहीं भूलते, यहाँ कंफ्यूज होते हो। सो हमेशा याद रखो कि नंबर वन स्टेप एनजीओ में स्पोर का बनना होता है, जैसे कि जिसको कि आप पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हो, मेल स्पोर को। तो स्पोर सबसे पहले बनता है, फिर उसके अंदर गमीट बनते हैं। मेल में भी ऐसे होगा, फीमेल में भी ऐसे होगा। मेल स्पोर को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये गमीट पानी से स्विम करके फीमेल तक नहीं जा पाएंगे, तो इनको स्पोर के समेत यहां तक लेके जाना पड़ेगा। और इस पूरी बॉडी का डिस्पर्सल जो होता है वो कोई ना कोई एजेंसी कराती है, चाहे वो लिविंग एजेंसी है चाहे वो नॉन लिविंग एजेंसी है, और इस डिस्पर्सल को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये अपने टिकाने तक पहुंचे, फर्टिलाइज करा और फिर एम्ब्रियो बना। सो सबसे क्रूशियल इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। स्पोर, गमीट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो, एंड ऑल दीज इवेंट्स अकर इन स्टेमन एंड कार्पल। दैट मीन्स अगर हमें इन इवेंट्स पे अपनी कमांड बनानी है तो हमें सबसे पहले सेक्स ऑर्गन पे कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये इवेंट सेक्स ऑर्गन के अंदर होती है। सो इनको समझने से पहले हमें स्टेमन और कार्पल को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इवेंट स्टेमन और कार्पल में होती हैं। स्टेमन का स्ट्रक्चर तो बहुत देर से आप लोग जानते हो, इवन लोअर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है कि इसकी एक डंडी है फिलामेंट, उसका प्रॉक्सिमल एंड ठीक है थैलमस या पेटल से कनेक्टेड होता है, और उसके डिस्टल एंड पे फर्टिलिटी होती है, नोन एज एंथर, बिकॉज इट हैज गॉट टू लोब्स, सो वी कॉल इट एज बाइथिकस एंथर। समझ गए हो? स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल में कई जने कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता दूं ये सेम ही नाम है। जिम्नो तक हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, एंजियो में क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और मॉडिफाई हो जाता है तो उसको स्टेमन बोलते हैं, अदरवाइज ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो मैं सम अप कर दूं, इस पूरी स्लाइड पे दो मेन क्वेश्चन थे, स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल, सेम चीज है। जिम्नो तक माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, एंजियो में स्टेमन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल एंड है, जो ओरिजिन के पास है, वो किससे कनेक्टेड है, थैलेमस से या पेटल से,
और डिस्टल एंड पे फर्टिलिटी है. एंथर कंटेन टू लोब्स एंड दो लोब्स का होना इज बाइथिकस कंडीशन. लेकिन मजेदार चीज ये है कि जब आप इसका सेक्शन काटोगे, एंथर के लोब्स ना लंबे लंबे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लोब्स होते हैं, और जब आप इसका ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे इन लोब्स का, तो आपको एक बड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो बाहर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते. आपको चार कोने देखने को मिलेंगे, और जब किसी स्ट्रक्चर के चार कोने होते हैं तो वो टेट्रागोनल होता है. एक लोब इस तरफ कटा हुआ है, एक लोब इस तरफ कटा हुआ है, सो बाइथिकस, और हर लोब में दो सपरंजियां हैं नोन एज डाइथिकस. लोब्स आगे से सेपरेटेड हैं, पीछे से कनेक्टेड हैं. जो गड्ढा उनको आगे से सेपरेट करता है वो डीप ग्रूव है, और जो पीछे से कनेक्ट करता है वो कनेक्टिव है. ठीक है, आप लोग इस तरफ देखो, ये दो लोब्स हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड लाइक दिस, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस. आगे से सेपरेटेड होते हैं डीप ग्रूव, और पीछे से एक पैरेन्काइमा का लंबा सा बैंड, जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है, कनेक्ट करेगा. सो दिस इज डीप ग्रूव जो सेपरेट करता है, दिस इज कनेक्टिव जो कनेक्ट करता है. सो अगर एंटीरियर साइड पे डीप ग्रूव है तो पोस्टीरियर साइड पे कनेक्टिव है. डीप ग्रूव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मामूली से गड्ढे हैं, क्योंकि जब कल को एंथर फटेगा तो इन्हीं गड्ढों से फटेगा, क्योंकि यहाँ सेल पतले होते हैं. ये गड्ढा सपरंजिया के बीच में होता है, इसको लॉन्गी ग्रूव कहते हैं. आमने सामने वाली लॉन्गी ग्रूव फटेगी और पॉलन बाहर निकल आएंगे. दोनों लॉन्गी ग्रूव को मिला के लाइन ऑफ डेहिसेंस या स्टोमियम बोलते हैं. ऑब्जर्व दिस डायग्राम ऑल ऑफ यू. ठीक है बेटे, ऑब्जर्व कर लिया सबने. चलो मैं एक बार सम अप कर देती हूँ. व्हेन यू कट इट यू फाइंड फोर कॉर्नर्स. फोर कॉर्नर्स मतलब टेट्रागोनल. एक लोब ये है, एक लोब ये है, दो लोब्स का होना बाइथिकस. हर लोब में दो सपरंजिया होते हैं नोन एज डाइथिकस. जो लोब के बीच में गड्ढा है वो डीप ग्रूव है, जो सपरंजिया के बीच में गड्ढा है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव वीक होता है, यहां से स्टेमन फटके, एंथर फटके पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा. कनेक्टेड एक लंबा सा बैंड है जो लोब्स को पीछे से कनेक्ट करता है. जब सेक्शन काटते हो तो ये बैंड भी कट जाता है, और इसके सेल पैरेन्काइमा गोल गोल सेल है. अब बच्चे यहाँ पे एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर टोटैलिटी में आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टोटल सपरंजिया आर देयर, तो आप बोलोगे चार सपरंजिया, है ना. और आप सडनली देखोगे ये सपरंजिया कहाँ से आ गया. एक्चुअली जो फर्टाइल एरिया है ना, जो इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, स्पोरोजेनेसिस, गमिटोजेनेसिस, वो यहाँ पे होती है. हाउ मेनी टोटल सपरंजिया आर देयर, आप बोलोगे चार. सो दिस इज माई कंक्लूजन. लोब कितने थे, दो, और टोटल सपरंजिया कितने हैं, चार. लेकिन बच्चे हमारे पास एक्सेप्शंस भी होती हैं. चाइना रोज की फैमिली और आर्सियोथोबियम, जो कि एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, ये दोनों एक्सेप्शन हैं. यहाँ एक लोब है, और लोब अगर आधा हो गया तो सपरंजिया भी आधे हो जाएंगे, और इस एक लोब को बोलेंगे मोनोथिकस. और मुझे नहीं लगता ये किसी को भूलेगा, यहाँ लोब भी एक है यानी मोनोथिकस, और सपरंजिया भी एक है
यानी कि मोनोस्प्रंजिएट। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, सिंगल लोब सिंगल सप्रंजिया। ये एक पैरासिटिक एंजियो है आर्सियोथोबियम, जो दूसरों का खाना लूटता है, और इसका इंग्लिश नाम होता है डबाफ मिसल्टो। सो ये हमारा एक नॉर्मल पौधा, उसका स्टेमन, लोब कितने मित्र जी, दो, और सप्रंजिया कितने, चार। यहाँ लोब हाफ हो गए तो सप्रंजिया भी हाफ हो जाएंगे, बोलेंगे मोनोथिकस चाइना रोज की फैमिली। यहाँ एक लोब सप्रंजिया भी एक, बोलेंगे मोनोसप्रंजिएट। अब अपने तरीके से कोई और टर्म अज्यूम करके या जबरदस्ती लगाने की कोशिश नहीं करनी, जो टर्म्स मैंने आपको सिखाई हैं यही याद रखनी है। ये बाइथिकस है, ये मोनोथिकस है, ये मोनोस्प्रंजिएट है, और कोई जबरदस्ती इस पे लगा लगा के करोगे तो फिर खुद का ही टॉपिक खराब कर लोगे। ये तीन टर्म्स आप लोगों को आनी चाहिए, बाइथिकस मोनोथिकस मोनोस्प्रंजिएट। दिस इज कॉमन कंडीशन, दिस इज चाइना रोज एंड दिस इज आर्सियोथोबियम। ठीक है बच्चे, चलो ध्यान से देखना सारे जने, लिसन केयरफुली। माइक्रोसप्रंजियम मैं आप लोगों को कल से बता चुकी हूँ, ध्यान देना सारे जने और पेन अपना ड्रॉप कर देना। आप लोगों ने देखा कि ये जो चार सर्कुलर आउटलाइंस हमें दिखाई देती हैं, मैं बार बार कह रही हूँ ये फर्टाइल एरिया है, और इन चार सर्कुलर आउटलाइंस को हम माइक्रोसप्रंजियम कहते हैं। इसके अंदर आपको एक मास ऑफ सेल देखने को मिलेगा जो कि डिप्लॉयड है। इसके हर एक सेल में क्रोमोसोम के दो दो सेट हैं, और माइक्रोसप्रंजियम के अंदर ये जो मास है सेल्स का, हम इसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। जैसे मैंने बोला ये डिप्लॉयड है, ठीक है, समझ गए कैसे पहचान में आएगा, हमें कैसे दिखेगा माइक्रोस्कोप के नीचे कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है और इस टिश्यू का सिग्निफिकेंस क्या। हमने सडनली इसको क्यों पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बच्चे ये फर्टाइल एरिया है, ये सबसे डेलिकेट एरिया है, हम इसको माइक्रोस्प्रंजियम कहते हैं, और इसके अंदर के टिश्यू को स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। How would you recognize this tissue under the microscope? So I tell you, sporogenous tissue को पहचानोगे कैसे? सारे सेल इसके कॉम्पैक्ट हैं, as you can see in the diagram. तो सेल बच्चे इसके काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। सारे सेल एक जैसे हैं, इसको बोलेंगे होमोजीनस। सारे सेल एक जैसे हैं और हर सेल फर्टाइल है, यानी कि हर सेल मदर सेल के तौर पे बिहेव कर सकता है। हर सेल फर्टाइल है, पोटेंशियल मदर सेल है, हम इसको पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। हर सेल यहाँ पे फर्टाइल है, और जब वो फर्टिलिटी करने पे उतर आएगा तो उसको पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। ठीक है बच्चे, और स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी आप लोग देख ही चुके हो, 2n होती है। सो मैं सम अप कर रही हूँ एंड लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। हमने एंथर को काट के देखा, हमें सर्कुलर चार स्ट्रक्चर नजर आई जो कि माइक्रोसप्रंजियम होती है। प्लूरल होता है इसका माइक्रोसप्रंजिया। अब सडनली मैंने इस डायग्राम को क्यों शुरू किया, बिकॉज दिस इज द मेन एरिया, जो भी हम इवेंट्स पढ़ने वाले हैं इसी माइक्रोसप्रंजियम के अंदर होती हैं। फॉर दैट पर्पस इट हैज गॉट अ टिश्यू नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। ये टिश्यू बच्चे डिप्लॉयड होता है, मतलब अगर आप इसका सेल खोल के देखोगे हर सेल में क्रोमोसोम के दो दो सेट है, और आप इस टिश्यू को पहचानोगे कैसे कि ये कहां पड़ा है। ये कॉम्पैक्ट मास होता है, इसके सारे सेल एक जैसे हैं, यानी होमोजीनस है, और हर सेल में फर्टिलिटी है, हर सेल मदर सेल के तौर पे बिहेव कर सकता है। तो एवरी सेल इज द पोटेंशियल मदर सेल, और जब वो मदर सेल के तौर पे बिहेव करेगा तो हम उसको पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट बोलेंगे।
अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये क्या है, चलो ये तो समझ आ गई, पहचानना कैसे है, कहाँ पड़ा है। फिर मैं कह रही हूँ सारे सेल फर्टाइल है, मदर सेल बन सकते हैं, पर ये करेंगे क्या? तो जब ये मदर सेल के तौर पे बिहेव करेंगे, ध्यान देना सारे जने, जब ये मदर सेल के तौर पे बिहेव करेंगे, यहां तक आप लोगों ने सीख लिया? देख लिया आपने स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल क्या बन सकता है? पोलन मदर सेल बन सकता है ना। तो बिहेव किया इसने पोलन मदर सेल। मदर सेल का मतलब जानते हो? इट इज रेडी फॉर मियोसिस। तो पोलन मदर सेल बनके ये मियोसिस करेगा। लो जी बेटे, इसने मियोसिस करी। तो मियोसिस अगर इसने करी है, तो प्लस वन में मियोसिस पढ़ी है ना आपने अच्छे से, कि जब कोई सेल डिप्लॉयड मियोसिस करता है तो उसकी प्रोडक्ट चार हैप्लॉयड सेल बनते हैं, और हम इस चार हैप्लॉयड सेल को माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। सो मदर सेल जब डिवाइड करेगा तो क्लस्टर ऑफ फोर सेल बनेगा, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर का टेट्राड, और ये आपस में जुड़े रहते हैं बिकॉज एक कार्बोहाइड्रेट की लेयर इनको जोड़ के रखती है, दैट लेयर इज कॉल्ड केलोज लेयर। लेकिन बच्चे आखिरकार ये लेयर सेपरेट हो जाती है, ये हैप्लॉइड है, जुड़े हुए हैं, लेयर ने जोड़ के रखा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप लोग देखोगे ये लेयर टूट जाएगी, और जब ये लेयर टूट जाएगी तो ऑफ कोर्स ये चारों के चारों सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होके डेवलप करना शुरू कर देंगे। जब ये आगे डेवलप करना शुरू कर देंगे तो आप इनको बोलोगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है, सो यू कॉल इट एज पोलन ग्रेन, और आपको पता भी नहीं चला, और ये तो स्पोर बन गए, पोलन ग्रेन तो स्पोर होते हैं। दैट मीन्स वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारी पहली इवेंट हो भी गई है स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि ये मेल था, सो यू कॉल इट एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इससे पहले कि हम इसको रिपीट करें, आप पहले इसको अपनी कॉपी पे बना लो ढंग से।
वामिक ध्रुव बना लिया बच्चे आपने? ओके ठीक है बेटा, चलो वापस आएंगे, घबराना नहीं है, अभी बहुत चीजें आज आपके लिए नई हैं, सो जस्ट टेक एन आइडिया। सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, थोड़ा सा आइडिया लग गया कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, मैं दोबारा फटाफट बताती हूँ। ये माइक्रोस्परंजिया है, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, टिश्यू का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू, ये डिप्लॉयड है। कैसे पहचानोगे? कंपैक्ट है, होमोजिनस है और हर एक सेल फर्टाइल है और मदर सेल के तौर पे बिहेव कर सकता है, यानी कि मियोसिस कर सकता है। जब मदर सेल मियोसिस करे तो चार हैप्लोइड सेल बनते हैं, हम उनको माइक्रोस्पोर कहेंगे जब तक वो गुच्छे में हैं। लेकिन अगर उनके आजू बाजू वाली लेयर टूट गई और वो अलग हो गए और उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया तो हम उनको पॉलन ग्रेन कहेंगे। किसी भी आलतू फालतू किताबों को नहीं पढ़ना, क्योंकि किसी भी किताब में आपको इन दोनों का डिफरेंस नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना डिफरेंस क्या है, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। सो प्लीज रेफर टू योर बुकलेट एंड एनसीईआरटी, ऐसे इधर उधर किताबों से पढ़ोगे ना यहाँ बहुत सारे टर्म्स में कंफ्यूज हो जाओगे। सो माइक्रोस्पोर तब तक गुच्छे में है, जब अलग होके डेवलप करना शुरू कर दें तो पॉलन ग्रेन है। अब ये तो स्पोर थे, इसका मतलब स्पोर तो बन गए और स्पोर का बनना स्पोरोजेनेसिस है, क्योंकि ये मेल पार्ट था तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। एक चीज आपको बता दूं कि इस काम में एनर्जी लगेगी, फूड लगेगा, प्लस इस जगह को प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। सो इस जगह को, ये डेलिकेट है, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, सो यहाँ प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी और इस काम के लिए न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। सो इसके आजू बाजू कुछ लेयर्स होनी चाहिए। बिल्कुल अपना जो ध्यान है ना, अपनी कॉपी कुपी सब आपने बंद करके रखनी है। और ये देखो यहाँ पे आपको ये पूरा कवच है ना, एक होता है ना सुरक्षा कवच होता है आजू बाजू पूरा। मैंने कहा ये बड़ा डेलिकेट एरिया है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा, तो एक सुरक्षा कवच इसके आजू बाजू बना हुआ है और हम उनको एंथर की वॉल लेयर्स कहते हैं। बिल्कुल पेन मत उठाना जब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं लेते। ये देखो बच्चे, ये मैं आपको करा चुकी, नाम है इसका स्पोरोजीनस टिश्यू। मैंने कहा इस जगह को प्रोटेक्शन भी चाहिए, ये वाली जगह को, और इस जगह को नरिशमेंट भी चाहिए, क्योंकि ये काम बिना नरिशमेंट के नहीं होगा। बाहर की चार लेयर्स हैं जो ये वाला रोल प्ले करती हैं। सबसे बाहर की लेयर को हम एपिडर्मस कहेंगे, जो थोड़ी अंदर है उसको एंडोथीशियम कहेंगे, जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं तीन या चार उनको मिडल लेयर्स कहेंगे, और एक लेयर जिसके सेल सबसे बड़े हैं उसको टैपिटम कहेंगे। सो पहले तो सीखो, अपने दिमाग में याद करो कि बाहर कवच जो है उसमें कितनी लेयर्स हैं, कितने टाइप की लेयर्स हैं बेटे, चार, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स जो कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और टैपिटम। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे अनोखी सी लेयर जो दिखाई दे रही है वो टैपिटम है। सो ध्यान से सुनना, एपिडर्मस को याद करने की जरूरत नहीं है, जैसी आज तक मैंने एपिडर्मस पढ़ाई है वैसी है। आउटर सिंगल थिन और प्रोटेक्टिव। देखो हमारे हर एक ऑर्गन के बाहर क्या होता है, स्किन होती है ना, ऐसे ही पौधे के हर पार्ट के बाहर एपिडर्मिस होता है, जानते हो आप लोग। स्टेम के बाहर एपिडर्मिस, रूट के बाहर एपिडर्मिस, पत्ते के बाहर मैंने एपिडर्मिस पढ़ाया था, और आज हमने देखा कि इसके एंथर के बाहर भी एपिडर्मिस। दिस इज आउटर सिंगल थिन और प्रोटेक्टिव लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस। लेकिन लेकिन जो इसके नीचे है ना वो बिल्कुल भी पतली लेयर नहीं है,
इनफैक्ट वो मोटी लेयर है जो प्रोटेक्शन के साथ साथ एंथर को बस्ट करने में भी हेल्प करेगी। इसके सेल लंबे हैं और इस तरीके से लंबे होना इसको रेडियल इलोंगेशन कहते हैं। प्लस वन में याद है आपको, 6 वॉल्स मैंने कराई थी, हर सेल की 6 वॉल्स होती हैं। 2 वॉल को आउटर टेंजेंशियल वॉल कहते हैं, 2 वॉल को इनर टेंजेंशियल वॉल कहते हैं और 2 वॉल को रेडियल वॉल कहते हैं। सो हर सेल की 6 वॉल्स होती हैं और इन सेल्स की, मोटे सेलों की भी 6 वॉल्स हैं। 6 में से 4 वॉल के ऊपर मोटाई है, आउटर को छोड़ के बाकी 4 वॉल मोटी हैं। सो इसकी 6 वॉल होती हैं, 6 में से 4 मोटी हैं। किस चीज की मोटाई है, क्या जमा हुआ है? अल्फा सेलुलोज के फाइबर जमे हुए हैं और अल्फा सेलुलोज के फाइबर जमने की वजह से हम इस लेयर को फाइबरस लेयर भी कहते हैं। ये एंथर को बस्ट करने का काम करती है और हाइड्रोफाइट्स में अक्सर ये एब्सेंट होती है। कि आप कहोगे कैसे बस्ट करने का प्रोटेक्शन, जब मैंने आपको कहा कि ये ना मोटी लेयर है तो आप समझ गए प्रोटेक्शन करेगी। अब मैं कह रही हूँ डेहिसेंस भी कराती है, वो कैसे डेहिसेंस कराती है कल आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। और फिर आ जाती है मल्टीपल लेयर्स जो कि 3 या 4 हैं, पर पुत्र जी बहुत जल्दी टूट फूट जाएंगी, दे आर शॉर्ट लिव्ड यानी कि एफिमरल। तो कई साइंटिस्ट कहते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी टूट जाती है ना, तो उनको लगता है कि इनका न्यूट्रिशन में रोल है, पर ज्यादातर साइंटिस्ट एग्री नहीं करते। वो कहते हैं बाहर की 3 लेयर्स का प्रोटेक्शन में रोल है और डेहिसेंस में रोल है, न्यूट्रिशन में इनका रोल नहीं है। क्योंकि जो मेन लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वो टैपिटम है और 1 सेकंड लगता है माइक्रोस्कोप के नीचे टैपिटम को पहचानने में। टैपिटम के ना सिर्फ सेल बड़े बड़े हैं बल्कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी काफी सारे होते हैं और वो भी बड़े बड़े होते हैं। बाई न्यूक्लिएट कंडीशन इज वेरी कॉमन और ये टैपिटम की पहचान है। एंड नाउ आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, पहले एक बार देख ले टैपिटम पहचान में कैसे आएगा। क्या बोला मैंने, इसके सेल बड़े बड़े हैं। देखो डायग्राम में देखो, सबसे बड़े सेल मैंने किसके बनाए हैं, टैपिटम के। सिर्फ सेल ही बड़े नहीं है, उनका साइटोप्लाज्म भी काफी डेंस होता है, इवन उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है। और जब कभी न्यूक्लियस बड़ा हो तो उसको पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम काफी सारे हैं। एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन इज वेरी कॉमन, कभी कभी 2 से भी ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और अब एनसीईआरटी पूछती है कि ये कैसे हो गया, एक सेल में तो एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए था, तो टैपिटम के सेल में 2 न्यूक्लियस कहाँ से आ गए, या कोई भी सेल में 1 से ज्यादा न्यूक्लियस कब आ जाता है। प्लीज आंसर एनी वन ऑफ यू। शाबाश, 1 सेल में 2 न्यूक्लियस कब आ जाते हैं, एनीबडी एल्स? हर्षदीप, नमन, मैम जब कैरियोगैमी तो इसमें कंप्लीट हो जाती है सेल में, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं उसका डिवाइड करता सिंस इनिशियल कंडीशन। कैरियो, आपने थोड़ा एक टर्म गलत यूज कर लिया, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको पता है। नमन, जब नमन? कैरियोगैमी के बाद साइटोकाइनेसिस, आवाज नहीं सुन रही बेटे। गौरीश, मैम जब कैरियोगैमी हो जाती है पर प्लाज्मोगैमी नहीं होती, वो फंजाई था, कल भी मैंने बताया था कैरियोगैमी, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। गलत वर्ड यूज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सबको आता है लेकिन टर्म गलत हो रही है। देखो जब सेल डिवाइड करता है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर सेल डिवाइड करता है, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस।
और दो डॉटर सेल बन जाते हैं। सो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर सेल डिवाइड करता है। अब कभी कभी न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है और सेल कहता है मैंने डिवाइड ही नहीं करना। सो दोनों न्यूक्लियस को एक ही सेल में ट्रैप कर लिया जाता है। सो ऑब्वियसली ये सेल बाई न्यूक्लिएट हो जाएगा ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, और ये चीज टैपिटम में बहुत कॉमन है, और टैपिटम को आप ऐसे करके रेकग्नाइज कर सकते हो। इसमें सिर्फ सिर्फ डायग्राम बनानी है अंडर द हेडिंग एंथर वॉल लेयर, लिखना नहीं है कुछ आपने, सिर्फ डायग्राम। जो भी मैं समझा रही हूँ यू विल गेट इट इन पीडीएफ, सो अननेसेसरली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो, समझने वाला है थोड़ा, और डायग्राम अच्छे से बनाना। एंथर वॉल लेयर्स, ये आप लोगों का हेडिंग रहेगा यहाँ पे। रिया बच्चे हैंड डाउन कर लो अपना। हाँ जी बच्चे, बना लिया आपने। मौमिक, लक्षिता, बगीशा, दिवांशु, चलो अब इस पे अगेन मैं वापस आती हूँ। एंड बिफोर दैट आई फिनिश विद द लास्ट स्लाइड, ठीक है? ध्यान से सुनना सारे जने। टैपिटम का काम पता चल गया, टैपिटम का काम हमें पता चल गया। टैपिटम का काम होता है सिक्रीशंस पैदा करना, यानी कि ये सिक्रीटरी है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सिक्रीशंस और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूट्रिएंट्स बना बना के भेजेगा ताकि पोलन बन सके, और प्लस ये एक इंडोल एसिटिक एसिड, जानते हैं ना सारे ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको भी बनाता है। टैपिटम का मैं आपको एक और फंक्शन बताती हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना।
टेम्पिटम पता क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग जिम्मेदारियां टेम्पिटम को सौंपी गई हैं। सिक्रेशन न्यूट्रिशन के अलावा टेम्पिटम को एक और फंक्शन असाइन किया गया है, जो आपने आज देखा कि पहले ये जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर, और फिर ये लेयर टूट के सेपरेट होके पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। तो सोचो किसी ने तो लेयर को तोड़ा होगा तभी ये सेपरेट हुए। लेयर थी कैलोज की और तोड़ने वाले का नाम था कैलेज, और वो एंजाइम टेपिटम ही बनाता है। सो कैलेज एंजाइम जो कि कैलोज की लेयर को तोड़ेगा, ये टेपिटम का ही प्रोडक्शन होता है। अनदर पॉइंट, कभी आपने सोचा कि प्लांट्स का पॉलिनेशन 80% कीड़े कराते हैं? पॉलिनेशन में से 80% पॉलिनेशन कीड़ों से होती है। हम ऐसे पौधों को इंटेमोफिलस प्लांट्स कहते हैं। अगर कीड़े पॉलिनेशन कराते हैं, ये लोग कीड़ा पहुंच गया फूल के पास, तो वो पॉलन को उठा के ले जाएगा। अब मुझे बताओ, वो पॉलन को उठाने आया था, उसको क्या पड़ी है पॉलन को उठा के पॉलिनेशन कराने की? वो तो अपना नेक्टर वगैरह पीने आया था, वो पॉलिनेशन कराने नहीं आते। प्लांट बड़ी चालाकी से जब वो जूस नेक्टर पीने आते हैं ना, तो प्लांट अपने पॉलन उनकी टांगों और बॉडी के साथ चिपका देता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। दैट मीन्स यहाँ पे पॉलन स्टिकी होना चाहिए, और पॉलन यहाँ पे स्टिकी होता है क्योंकि बाहर एक आपको येलो स्टिकी फैटी लेयर देखने को मिलती है, और ये भी टेपिटम ही सिक्रीट करता है। हम इस येलो स्टिकी फैटी लेयर को पॉलन किट कहते हैं। सो एंटामोफिलस प्लांट में कीड़ा जब आएगा, पॉलन उसकी बॉडी से चिपका दिए जाएंगे और वो पॉलन लेके उड़ जाएगा। अब कैसे चिपक गए पॉलन उसकी बॉडी से? क्योंकि पॉलन स्टिकी थे, क्योंकि एक स्टिकी लेयर थी, और उस लेयर का नाम होता है पॉलन किट। अनदर पोर्शन, कभी आपने ये सोचा कि हवा में अगर ये वीट का स्टिग्मा है, से हाइपोथेटिकली ये वीट का स्टिग्मा है, दो पॉलन इसके आजू बाजू घूम रहे हैं, हवा में तो सबके पॉलन होते हैं ना, तो एक वीट का पॉलन घूम रहा है इसके आजू बाजू और एक इसके आजू बाजू मेज का पॉलन घूम रहा है, तो कौन आके इसको फर्टिलाइज करेगा? अफकोर्स वीट वाला पॉलन ही वीट को फर्टिलाइज करेगा, ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर ये आके गिरा तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है। वीट के ऊपर मेज का पॉलन थोड़ी जर्मिनेट करेगा, वीट के ऊपर तो वीट का ही पॉलन जर्मिनेट करेगा। पर सोचने वाली बात है, इनको पता कैसे चलता है कि ये राइट टाइप का पॉलन गिरा है मेरे ऊपर या रॉन्ग टाइप का पॉलन गिरा है? क्योंकि बच्चे जब पॉलन आके स्टिग्मा पे गिरता है ना, तो पॉलन के अराउंड भी एक प्रोटीन्स होती हैं और स्टिग्मा के अराउंड भी एक प्रोटीन्स होती हैं, जिनको मैच कराया जाता है। अगर वो प्रोटीन्स मैच कर गई, कंपैटिबल हो गई, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब होता है कि राइट टाइप का पॉलन है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन गिरेगा तो प्रोटीन मैच नहीं करेंगी और पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग टाइप का है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको पता है ये प्रोटीन जो पॉलन, ये स्टिग्मा पे भी होती हैं, पढ़ेंगे कौन बनाता है, पर जो पॉलन के ऊपर ये वाली प्रोटीन्स है ना, ये टैपिटम बनाता है। सो कंपैटिबिलिटी और इनकंपैटिबिलिटी प्रोटीन जो हमें टैपिटम के ऊपर दिखाई देती हैं, सॉरी पॉलन के ऊपर दिखाई देती हैं, ये टैपिटम बनाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात को, लास्ट पॉइंट हमारा। ये मेरे पास पॉलन ग्रेन है। आपको पता है पॉलन ग्रेन का जो कवच होता है ना, कवच, उसको दुनिया का कोई बैक्टीरिया, एसिड, अल्कली, टेम्परेचर कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उस कवच पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल जमा होता है। ये कवच का पहले तो नाम सुनो, इसको बोलते हैं एग्जाइन। पॉलन ग्रेन के इस कवच का नाम क्या होता है? एग्जाइन। ध्यान से सुनना, ये हमने सब डिटेल में पढ़ना है। पॉलन ग्रेन का कवच है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और इसके ऊपर ब्यूटीफुल डिजाइन्स होते हैं, जैसे ऐसे वाले डिजाइन या ऐसे वाले,
एक ही टाइप का डिजाइन होगी या ऐसे वाले डिजाइन। ये पता है किस चीज के डिजाइन है? ये दुनिया का वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है जो एग्जाइन के ऊपर आके जम गया है, और एग्जाइन के ऊपर ये मटेरियल आके अलग अलग फैशन में जम जाता है। कभी ऐसे जम गया, कभी ऐसे जम गया, कभी ऐसे जम गया, और ये है वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑफ दिस प्लैनेट। नाम है इसका स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन के जमने की वजह से एग्जाइन के कवच को कोई नहीं तोड़ पाता। और ये इतना हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल किसने बनाया है? टैपिटम ने बनाया है। टैपिटम की एक स्पेशल टाइप होती है जिसको ग्लैंडुलर टैपिटम कहते हैं। वो थैले यानी पाउचेस बनाएगा। पाउचेस का नाम होता है यूबिश बॉडी, और यूबिश बॉडी के अंदर ये मटेरियल बनाया जाता है, और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है। नाम है इसका स्पोरोपोलिनिन, और ये जाके पॉलन के कवच पे जम जाता है, जिससे ना सिर्फ पॉलन को स्ट्रेंथ मिलती है बल्कि पॉलन को ब्यूटीफुल डिजाइंस भी मिलते हैं। ठीक है जी। सो मेरे ख्याल से ध्यान से जिसने सुना है उसने मैक्सिमम चीजों को ग्रास्प कर लिया होगा। हालांकि चीजें नई है और चीजों को रिपीट करना बहुत जरूरी है, पर मेरे ख्याल से जो अच्छे से सुन रहा है उसने काफी कुछ याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको खत्म कर रही हूँ आज, और जो भी आज हमने पढ़ा एक बार इसको रिवाइज कर लेते। हाँ जी, ध्यान से देखो। एंथर को काटोगे तो चार सर्कुलर आउटलाइन चारों कोनों पे दिखाई देंगी। इसका नाम होता है माइक्रोसपरंजियम, प्लूरल है माइक्रोसपरंजिया। ये डेलिकेट एरिया है और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अंदर एक टिश्यू है जो कि डिप्लॉयड होता है। हम इस टिश्यू को स्पोरोजीनस टिश्यू कहेंगे, और इसकी पहचान है कि ये कॉम्पैक्ट भी है और सारे सेल इसके एक जैसे हैं, और हर सेल में फर्टिलिटी है, पोटेंशियल है कि वो मदर सेल के तौर पे बिहेव कर सकता है। सपोज कर लो इसके किसी भी सेल ने मदर सेल के तौर पे बिहेव किया, तो इसका मतलब है वो मियोसिस करेगा और चार हैप्लोइड माइक्रोस्पोर को बनाएगा जो कि एक क्लस्टर में बंधे रहेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर। थोड़ी देर बाद ये कलोज लेयर टूट जाएगी और ये हैप्लोइड माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे, एंड दे विल डेवलप फर्दर टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन। जब तक गुच्छे में है माइक्रोस्पोर, जब अलग हो जाएं तो पॉलन ग्रेन। तो ये तो स्पोर थे, इसका मतलब स्पोर तो बन भी गए। सो दिस इज द साइट फॉर स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल में स्पोर का बनना। अगर ये इतना डेलिकेट और इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि यहाँ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो ना सिर्फ इस जगह को प्रोटेक्शन चाहिए बल्कि ये सारा कुछ कराने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए। सो इसके अराउंड एक बड़ा मजबूत कवच होना चाहिए जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे। वो होती है एंथर वॉल लेयर्स, जो कि चार टाइप की हैं। पहले एपिडर्मस आएगा, फिर एंडोथीशियम आएगा, फिर मल्टीपल मिडल लेयर्स आएंगी, और फिर टैपिटम आएगा। ये तो बिल्कुल आउटर थिन प्रोटेक्टिव, जैसा आप एपिडर्मस को जानते हो वैसा ही है। ये लेयर मोटी होती है, 6 में से 4 वॉल इसकी मोटी हैं, जहां अल्फा सेलुलोज के फाइबर जमे हैं। हम इस लेयर को फाइबरस लेयर कहते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये एंथर को बस्ट करने का काम भी करेगी, जो आपको कल बताऊंगी कैसे। सेल इसके काफी लंबे लंबे हैं, रेडली इलोंगेटेड सेल हैं। फिर मल्टीपल मिडल लेयर्स आती हैं, हालांकि ये भी प्रोटेक्शन करती हैं, पर क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है जल्दी टूट फूट जाती है, तो कई साइंटिस्ट को लगता है कि ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, पर ज्यादातर एग्री नहीं करते। सो यहां तक मेन काम प्रोटेक्शन और डेहिसेंस है। जो 100% न्यूट्रिशन देने का काम करती है वो टैपिटल लेयर है, जिसके सेल बड़े आराम से पहचाने जा सकते हैं। सेल बड़े हैं, न्यूक्लियस भी खूब सारे, 2 या 2 से भी ज्यादा, और वो भी बड़े बड़े हैं क्योंकि हर न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम जरूरत से ज्यादा हैं,
साइटोप्लाज्म भी काफी डेंस है। सो बड़े सेल डेंस साइटोप्लाज्म वाले बाई न्यूक्लिएट और हर न्यूक्लियस साइज में बड़ा, ये टैपिटल सेल की पहचान है। टैपिटम ना सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, सिक्रीशन प्रोवाइड करेगा, बल्कि और भी उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कैलोज लेयर को तोड़ के माइक्रोस्पोर को सेपरेट कराना टेपिटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कैलोज को तोड़ने के लिए वो कैलेज एंजाइम बनाता है। जो पौधे कीड़ों से अपना पॉलिनेशन कराते हैं उनको चिपचिपा पॉलन बनाना पड़ेगा ताकि वो कीड़े से चिपक जाए और कीड़े को पॉलिनेशन करने में आसानी रहे। सो पॉलन ग्रेन चिपचिपा होना चाहिए। सो देर इज ऑलवेज अ येलो स्टिकी फैटी लेयर नोन एज पॉलन किट, जो कि टैपिटम ही प्रोड्यूस करता है। कभी भी रॉन्ग टाइप का पॉलन स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करता, हमेशा राइट टाइप का पॉलन जर्मिनेट करेगा। ऐसा कैसे? क्योंकि पॉलन जैसे ही आके लैंड करता है दोनों के बीच में डायलॉग होता है। इसके ऊपर भी प्रोटीन है, पॉलन के ऊपर भी प्रोटीन है, उनको मैच कराया जाएगा। अगर वो कंपैटिबल निकली तो ये राइट टाइप का पॉलन है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर वो इनकम्पेटेबल निकली तो ये रॉन्ग टाइप का पोलन है, रिजेक्ट हो जाएगा। स्टिग्मा और पोलन दोनों पे ये प्रोटीन्स होती हैं। पोलन के ऊपर ये जो प्रोटीन्स हैं ये टैपिटम ने बनाई हैं। और पोलन को मिट्टी में अगर पड़ा है ना तो फॉसिलाइज हो जाता है, कोई पोलन का कवच नहीं तोड़ पाता। पोलन का कवच टूटता क्यों नहीं है? हम इस कवच को बोलते हैं एग्जाइम, और ये टूटता इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके ऊपर दुनिया का सबसे हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल जमा हुआ है, नाम है उसका स्पोरोपोलिनिन। डिफरेंट डिजाइन्स में स्पोरोपोलिनिन के जमने की वजह से ना सिर्फ यह ब्यूटीफुल डिजाइनिंग हो जाती है बल्कि ये रेजिस्टेंट लेयर बन जाती है। कोई एसिड अल्कली बैक्टीरिया टेम्परेचर इसको ब्रेक नहीं कर पाता। स्पोरोपोलिनिन एक थैलो में प्रोड्यूस होता है, उन थैलो का नाम होता है युबिश बॉडी, और युबिश बॉडी को भी कौन बनाता है? टैपिटम। टैपिटम की दो टाइप्स हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, सो आपने सिर्फ यहाँ टैपिटम का नाम याद रखना है कि ये काम कौन सा टैपिटम करता है। ग्लैंडुलर टैपिटम है जो थैले बनाता है युबिश बॉडी, उसमें स्पोरोपोलिनिन बनता है, स्पोरोपोलिनिन जाके जम के एग्जाइम को रेजिस्टेंट बना देता है। सो दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ टैपिटम। सो सिक्रीशन करना, न्यूट्रिशन देना, कैलेस को बनाना, कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स को बनाना, पोलन किट को बनाना और स्पोरोपोलिनिन को बनाना, ये सब बेचारे टैपिटम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट्स अ ग्रेट लेयर विच परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। और आज का लास्ट पोर्शन विच यू विल ड्रॉ,
स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर, ये सिर्फ बनाना है आपने, यहां तक पढ़ के आना जहां तक मैंने समझाया है, एंड जस्ट ड्रॉ दिस. This. ठीक है बेटे, सो कल इसको डिस्कस करेंगे. ये मैच्योर अंतर है, जब पक जाएगा, फटने वाला होगा तो ऐसा दिखेगा. ठीक है बेटे, चलो कल डिस्कस करते हैं अच्छे से, एक बार रीड करके रखें, घबराना नहीं है, हमने इसको रिवाइज करना है जो भी आज हमने